मोदी जी पूछते हैं कितना दूं, कितना दूं भाइयों और बहनों, कितना दूं? अंधभक्तों की किडनी भी बेच दीजिएगा, लेकिन इस देश को मत झुकने दीजिएगा, इस देश को मत बिकने दीजिएगा। 5 किलो चावल देके आपको 5 किलो चावल देता हूं मैं, अरे 5 किलो छोड़िए 10 किलो चावल देता हूं, आपका पेट भर जाएगा। मैं बिहार से तो नहीं हूं, पर बिहार के बारे में इतना जरूर जानता हूं कि बिहार क्रांतिकारियों की भूमि है, बिहार ने इस देश को कई नेता दिए हैं, बिहार ने इस देश को कई IAS IPS दिए हैं, बिहार ने इस देश को कई शिक्षित नागरिक दिए हैं और बिहार ने बहुत कुछ दिया है। हालांकि बिहार के नेताओं ने उनके साथ भले ही बिहार के साथ में गद्दारी की है, इस बिहार की मातृभूमि का कर्ज नहीं चुकाया है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री हैं, उसका एक और बड़ा उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, उसका एक और बड़ा उदाहरण है आज बिहार के मुख्यमंत्री जो 15 साल बिहार पे उन्होंने राज करा और बदहाली से ना बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, ना बिहार के अंदर शिक्षा बेहतर है, ना बिहार के अंदर आज क्राइम रेट जो है वो कम हुआ है, ना बिहार के अंदर बलात्कार की घटनाएं कम हुई। तो मेरे ख्याल से बिहार का जो विकास है वो विकास नहीं है, बिहार का विकास सिर्फ देखने के लिए है, बिहार का विकास सिर्फ पागल बनाने के लिए है। जिस तरीके से 15 लाख की बात करी जाती है, जिस तरीके से 20 लाख करोड़ की बात की जाती है, ठीक उसी तरीके से बिहार के विकास की बात करी जाती है। ये नहीं पता किसी को कि बिहार का विकास आखिर है कहाँ, आखिर बिहार का विकास किसके लिए हुआ है। बिहार के अंदर आज भी ये स्थिति है कि इलाज कराने वाले लोगों को स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिल पाती, स्ट्रेचर की सुविधा, एक व्यक्ति हाथ में ग्लूकोज लेके अस्पताल में भागता रहता है, दौड़ता रहता है, एक व्यक्ति स्कूल में एडमिशन कराने के मारे स्कूल के अंदर 10 बार चक्कर लगाता है। मुख्यमंत्री महोदय ये बताएं कि बिहार के अंदर कैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, 15 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री महोदय। मुख्यमंत्री महोदय ये बताएं कि बिहार के अंदर बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर डैम कब बनेगा जिससे बिहार बाढ़ की समस्या से जूझ सकता है। मुख्यमंत्री महोदय ये बताएं कि बिहार की राजधानी कही जाने वाली पटना ये वही राजधानी है जहां लोगों के सर तक पानी भर गया था, उस राजधानी के अंदर कब सुधार होगा। मुख्यमंत्री महोदय के नेता चाहे वो सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद चाहे वो कानून मंत्री हो, अश्विनी चौबे हो, मंगल पांडे चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, ये तमाम तरीके के नेता उटपटांग, गिरिराज सिंह उटपटांग बयान देने में माहिर है, नंबर वन उनका नाम आता है। तो आखिर ऐसे लोग जो देश की इस कमान को संभाल रहे हैं, तो क्या आज ऐसे लोगों को कुर्सी से हटाने का हमारा हक और आपका हक नहीं बनता? क्या ऐसे लोग जो बिहार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, ऐसे लोग मोदी जी पूछते हैं कितना दूं, कितना दूं भाइयों और बहनों, कितना दूं? आप बिहार की बोली लगा रहे हैं, ये बताइए आप बिहार के लोगों की कीमत लगा रहे हैं क्या कि कितना दूं, कि बिहार के लोगों को आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा करा सकें, बिहार के लोगों को आने जाने के लिए बस की सुविधा करा सकें, आप क्या देंगे? 5 किलो चावल देके आपको 5 किलो चावल देता हूं मैं, अरे 5 किलो छोड़िए 10 किलो चावल देता हूं, आपका पेट भर जाएगा। लोग सवाल करते हैं कि मोदी जी का तो ना घर है ना परिवार है, किसके लिए कमा रहे हैं? भैया गब्बर का भी ना कोई परिवार था, ना कोई गर्लफ्रेंड थी, ना कोई इसका आगे पीछे था, तब भी वो चोरी डकैती करता था ना, किसके लिए करता था, इस बात का जवाब दीजिए। तो मेरे भाई इस देश के अंदर अंधभक्ति वहां तक कीजिए जहां तक साबित हो चुके। मोदी जी आपने एयर इंडिया बेका, BSNL बेका, MTNL बेका, जरूरत पड़े तो आप अंधभक्तों की किडनी भी बेच दीजिएगा, लेकिन इस देश को मत झुकने दीजिएगा, इस देश को मत बिकने दीजिएगा।